चावल की खीर तो अक्सर हम खाते ही रहते हैं, तो चलिए आज हम मखाने की खीर बनाते हैं। मखाने की खीर बनाने के लिए मैंने एक कटोरी मखाना लिया है, ये हमारी चीनी है और 200 ml हमारा दूध है। मखाने की खीर तो कभी भी व्रत में या फिर ऐसे भी खाया जा सकता है। मखाने हमारे हड्डियों के लिए भी काफ़ी लाभदायक होता है, तो चलिए मखाने की खीर बनाते हैं। गैस पे मैंने कढ़ाई चढ़ा ली है, इसमें हम 2 चम्मच घी डालते हैं। मखाने को हम 10 मिनट तक धीमी आंच पे रोस्ट कर लेते हैं। ऐड मैंने दूध भी गर्म होने के लिए एक बर्तन में रख लिया है। मखाने को भूनते भूनते हमें 10 मिनट हो चुके हैं, ये हल्का क्रंची हो चुके हैं। थोड़े से मखाने को हम निकाल लेते हैं, इसे हम दरदरा कूट लेंगे। खाने में हम गरम दूध डाल देते हैं। मखाने में इलायची को कूट के डाल लें या फिर इलायची का पाउडर डाल लें, इसे हम कूट लेते हैं। कूटे हुए मखाने को इसमें डाल लेते हैं। चाहे तो आप केसर के 3-4 धागे डाल सकते हैं। अब हम इसमें 3 चम्मच चीनी डालते हैं, आप अपने टेस्ट के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। चीनी को अच्छे से घुलने दो और मखाने को सॉफ्ट होने तक पका लें। मखाने भी हल्के सॉफ्ट हो चुके हैं, 5 मिनट इसे हम और पका लेते हैं। 5 मिनट हो चुके हैं, मखाने भी हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं, तो चलिए इसे हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। ऊपर से अपने पसंद के अनुसार ड्राई फ्रूट डाल लें। मैं इसमें काजू किशमिश और बादाम डाल रही हूँ। इस रेसिपी को एक बार आप जरूर ट्राई करें और यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमें सपोर्ट करने के लिए हमें ज़रूर सब्सक्राइब करें।